नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर त्रिविक्रम तिवारी, सहायक निदेशक समाज विज्ञान विद्या शाखा, राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम परास्नातक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत MAPS 01 पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास पढ़ाई करेंगे। इसमें जो हमारा प्रथम अध्याय है वो है प्लेटो, जो अपने आप में एक बहुत ही विशद अध्याय है, जिसका अध्ययन करने के लिए हमें एक से अधिक भागों का सहारा लेना पड़ेगा। आज प्रथम भाग में मेरा प्रयास है कि मैं आपको प्लेटो से परिचय करा दूं, साथ ही उसकी महत्वपूर्ण कृतियों और उस पर पड़ने वाले प्रभावों के कारकों का उल्लेख कर सकूं। वर्तमान में जितना भी राजनीतिक अध्ययन विकसित हुआ है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं प्लेटो से मानी जाती है। प्लेटो को राजनीति विज्ञान का जनक तो नहीं कहा जाता, ये उपाधि अरस्तु को दी जाती है, लेकिन प्लेटो को हम राजनीति विज्ञान के पितामह के रूप में समझ सकते हैं। प्लेटो का जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व 428 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। हालांकि इस संदर्भ में दार्शनिकों के मध्य विवाद है कि प्लेटो का जन्म कब हुआ था, लेकिन आम तौर पर यह मान्यता है कि 428 ईस्वी पूर्व प्लेटो का जन्म हुआ था। प्लेटो यूनान के एथेंस नगर के एक संभ्रांत परिवार में पैदा हुआ था और उसके युवा काल में एथेंस नगर पेलोपेलेशियन युद्ध में फंसा हुआ था। अपने युवा काल में प्लेटो का संपर्क सुकरात से होता है, जिसे वो अपने जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखता है। प्लेटो के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव सुकरात का पड़ा था। प्लेटो अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ रिपब्लिक के भूमिका में ये कहता भी है कि मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं स्वतंत्र पैदा हुआ, पुरुष पैदा हुआ, एथेनियन ग्रीक नागरिक के रूप में पैदा हुआ, और सबसे बढ़कर मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ। सुकरात की मृत्यु के पश्चात प्लेटो लगभग 10 वर्षों तक विश्व भ्रमण पर रहा, जिस दौरान उसकी मुलाकात यूक्लिड जैसे ज्यामिति विज्ञान के जनक से भी हुई, जिसका प्रभाव उसकी कृतियों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सुकरात की मृत्यु लगभग 400 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी। तत्पश्चात प्लेटो अपने अध्ययन अध्यापन के कार्यों में संलग्न होता है और कुछ महत्वपूर्ण कृतियों की रचना करता है, जिनमें रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज, एपोलॉजी ऑफ सॉक्रेटिस इत्यादि प्रमुख हैं। प्लेटो के जीवन पे जिन चीज़ों का प्रभाव पड़ा था उसके साथ ही उसने अपने दार्शनिक आधार विकसित किए। प्लेटो के दर्शन के दार्शनिक आधार निम्नवत हैं: यथार्थ का सिद्धांत, प्रत्यय का सिद्धांत, सद्गुण ही ज्ञान है, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। प्लेटो जिस दौर में था उस दौर में यथार्थ की दो परिभाषाएं प्रचलित थीं, एक जिसे पार्मेनिडीज का यथार्थ का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, दूसरा जिसे हेराक्लाइटस के यथार्थ के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। पार्मेनिडीज की परिभाषा थी कि यथार्थ सदैव स्थायी रहता है, यथार्थ वह है जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, जबकि हेराक्लाइटस का मानना था कि यथार्थ सदैव निरंतर परिवर्तनशील है। एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है हेराक्लाइटस का, आप एक ही नदी में दो बार डुबकी नहीं लगा सकते हैं। हेराक्लाइटस के सिद्धांत की तुलना भारतीय दर्शन के बुद्ध के सिद्धांत से की जा सकती है, जिसमें वो आत्मा को क्षणिक मानते हैं। यथार्थ की इन दो परिभाषाओं का परिणाम यह हुआ था कि एक स्कूल ऑफ थॉट, जिसे हम सोफिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के नाम से जानते हैं, उसने ज्ञान के व्यवसाय का प्रारंभ कर दिया था, जिसके विरुद्ध सुकरात का पूरा जीवन समर्पित था। अपने गुरु के प्रति आदर के रूप में प्लेटो अपने दर्शन की शुरुआत यथार्थ के सिद्धांत को ही पुनर्परिभाषित करते हुए देता है। प्लेटो का मानना था कि यथार्थ दो भागों में विभाजित है, एक जिसे वो कहता है प्रत्यय जगत और दूसरा कहता है दृश्य जगत। प्रत्यय जगत का यथार्थ मूलतः स्थायी है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, और दृश्य जगत जो कि निरंतर परिवर्तनशील है। प्लेटो का मानना था ये दृश्य जगत यथार्थ जगत की छाया है, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं अपने आइडिया का एक अक्ष है। यहीं से प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत का जन्म हो जाता है। अपने थियोरी ऑफ आइडिया में प्लेटो कहता है कि प्रत्येक चीज़ जिसे हम परसीव करते हैं, जिसका हम अनुभव करते हैं इंद्रियों के माध्यम से, उसका ज्ञान हमें बुद्धि प्रदत्त होता है। कोई भी ज्ञान कभी भी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है। बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति चीज़ों के स्वरूप या फॉर्म को समझता है और वही उस चीज़ का आइडिया है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी घोड़े को देखते हैं तो हमें ज्ञान घोड़े का नहीं होता है, घोड़त्व का होता है।
यदि हम मनुष्य को देखते हैं तो हमें ज्ञान मनुष्यत्व का होता है, और यही कारण है कि हम किसी भी रंग, भाषा और बोली के व्यक्ति को देख करके बाद में जब किसी विभिन्न रंग के व्यक्तियों को देखते हैं या उनके बच्चों को देखते हैं तो पहचान पाते हैं। बचपन में आपने किसी प्रथम सुंदर चीज़ को देखा होगा, उस सुंदर वस्तु को आपने जब देखा तो किसी ने कहा होगा यह वस्तु सुंदर है। उदाहरण के लिए, यह घर सुंदर है, यह गाड़ी सुंदर है, यह पुष्प सुंदर है। लेकिन उसके पश्चात जब आपने किसी छोटे जानवर के बच्चे को देखा तो आप स्वतः बोल उठे, ये छोटे जानवर का बच्चा सुंदर है। ये किस प्रकार संभव हो पाया? क्योंकि आपने उस वस्तु को भले पहले न देखा हो लेकिन सुंदरता का प्रत्यय या विचार आपके मस्तिष्क में बस चुका था। इस प्रकार प्रत्यय यथार्थ है जो प्रत्यय जगत में निवास करता है। प्रत्यय जगत से जो छाया निर्मित हो रही है वही हमें इस दृश्य जगत में दिखाई पड़ती है। प्रत्येक दृश्य जगत की वस्तु का एक तुलनात्मक प्रत्यय प्रत्यय जगत में उपस्थित है। इस प्रकार सभी प्रत्ययों की संख्या भी अत्यधिक व्यापक हो जाती है। हमें किसी विशिष्ट वस्तु को जानने के लिए उसके प्रत्यय का ज्ञान आवश्यक है, परंतु प्रत्ययों की संख्या अत्यधिक होने की वजह से हमें इन प्रत्ययों के ज्ञान में भी समस्या उत्पन्न होगी, और इसलिए एक तीसरे चरण के ज्ञान की बात करता है प्लेटो, जिसे वो आइडिया ऑफ गुड या शुभ का प्रत्यय, सत का प्रत्यय कहता है। ये आइडिया ऑफ गुड या सत का प्रत्यय अपने आप में इतना विशिष्ट होगा, इतना संपूर्ण होगा कि जिसके माध्यम से सभी प्रत्ययों का ज्ञान या सभी आइडियाज़ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्लेटो का तीसरा दार्शनिक आधार है सद्गुण ही ज्ञान है, वर्चू इज नॉलेज। प्लेटो का मानना था कि ज्ञान व्यवहार का विषय है, नॉलेज दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू योर कंडक्ट इज मीनिंगलेस। ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति के व्यवहार में प्रदर्शित नहीं हो सकता अर्थहीन है। इस संदर्भ में एक विशिष्ट कथा मिलती है प्लेटो के जीवन की। एक बार प्लेटो सुकरात की कक्षा में पहुँचने में लेट हो जाता है, देरी हो जाती उसे, और जब तक वो कक्षा में पहुंचता है तब तक कक्षा छूट चुकी होती है। वो लौट रहे विद्यार्थियों से पूछता है कि आज आपको क्या पढ़ाया गया। एक विद्यार्थी ने जवाब दिया कि आज हमने सद्गुण के बारे में पढ़ा है। प्लेटो का प्रश्न था, तो फिर आप सद्गुणी जीवन जीना कब से प्रारंभ कर रहे हैं? एक कथा मिलती है द्वापर युग की, महाभारत युगीन, जिसमें सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया गया सदैव सत्य बोलो, परंतु युधिष्ठिर को ये कथा याद नहीं होती है। और कई बार जब पूछने पर युधिष्ठिर सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो गुरु द्वारा पूछा जाता है, ये इतना कठिन पाठ नहीं है, फिर भी आप इसे याद क्यों नहीं कर पाए? युधिष्ठिर का जवाब था कि जब तक मैं सत्य बोलने न लगूं तब तक कैसे माना जाए कि मुझे पाठ याद हो गया है। यही संदर्भ यहाँ सद्गुण ही ज्ञान से है। यदि किसी व्यक्ति को अच्छी चित्रकारी करनी आती है, ये इससे पता चलता है कि वो अच्छी चित्र बना सकता है। यदि किसी को अच्छा खाना बनाना आता है तो ये इससे पता चलता है कि वो अच्छा खाना बना सकता है। गुण व्यवहार में दिखाई पड़ना चाहिए, ज्ञान मात्र डिग्रियों के अंदर रखने की विषय वस्तु नहीं है। प्लेटो का चौथा दार्शनिक आधार है राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, स्टेट इज इंडिविजुअल रेट लार्ज। प्लेटो का मानना था कि व्यक्ति और राज्य के मध्य किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन या राजनीतिक उत्तरदायित्व का प्रश्न हमेशा महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है राजनीतिक चिंतन के अंदर, और उसका समाधान प्लेटो अपने इस दार्शनिक आधार में प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वो मानते हैं कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, अर्थात राज्य और व्यक्ति के मध्य किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। एक और स्टेटमेंट मिलता है जिसे प्लेटो के नाम से जाना जाता है, स्टेट इज मैग्निफाइड इंडिविजुअल, या व्यक्ति का वृहत्करण अगर कर दिया जाए तो वो राज्य के रूप में परिभाषित हो जाएगा। प्लेटो का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति तीन गुणों से मिलकर बना हुआ है, विवेक का गुण, साहस का गुण और क्षुधा या इच्छा का गुण। इन गुणों की प्रधानता के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जिसके अंदर विवेक तत्व की प्रधानता होगी वो दार्शनिक होगा, जिसके अंदर साहस तत्व की प्रधानता होगी वो सैनिक होगा, और जिसके अंदर इच्छा या क्षुधा तत्व की प्रधानता होगी वो उत्पादक होगा। ठीक इसी प्रकार राज्य में भी तीन वर्ग दिखाई पड़ते हैं, जिस विवेक वर्ग जिसे दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत करता है, साहस वर्ग जिसे वो सैनिक के रूप में प्रस्तुत करता है, और इच्छा वर्ग जिसे वो उत्पादक वर्ग के रूप में प्रस्तुत करता है।
इस प्रकार व्यक्ति जिस प्रकार तीन तत्वों से मिलकर बना है, राज्य भी समान रूप से तीन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। प्लेटो की सर्व प्रमुख कृति जो राजनीतिक चिंतन के अंदर महत्वपूर्ण है वह है रिपब्लिक। इसके अंतर्गत विभिन्न सिद्धांत हैं जिसमें महत्वपूर्ण है आदर्श राज्य का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, दार्शनिक राजा का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत और फिर अंत में इन सभी सिद्धांतों की आलोचना। प्लेटो अपने आदर्श राज्य के सिद्धांत के अंदर एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करता है राज्य का, जिसमें उसका मानना था कि आदर्श राज्य इस प्रकार का राज्य होगा जो न्याय के सिद्धांत पर आधारित होगा, जिसमें कार्य विशेषीकरण होगा, जिसमें सार्वभौम शिक्षा की व्यवस्था होगी। यहाँ तक कि अपने आदर्श राज्य की मात्र कल्पना प्रस्तुत नहीं करता है, एक सैद्धांतिक विवेचन ही नहीं देता है, व्यवहारिक स्वरूप में आदर्श राज्य को बदलने के लिए वो आदर्श राज्य की आदर्श जनसंख्या का भी वर्णन करता है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होगी। 5040 एक विशिष्ट संख्या है, 1 से लेकर 10 तक सभी संख्या से विभाजित हो सकने वाली सबसे छोटी संख्या है 2520, और 5040 एक ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित होती है। इसके अतिरिक्त वो 59 अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो सकती है। आदर्श राज्य जिसमें कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत प्लेटो प्रस्तुत कर रहा है, उसमें ये विभाजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विभाजन के आधार पर कार्य विशेषीकरण संभव है। कई बार भारतीय चिंतक प्लेटो के आदर्श राज्य के इस विभाजक सिद्धांत को, कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत को, भारत की वर्ण व्यवस्था से भी तुलना करते हैं। प्लेटो की रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत न्याय सिद्धांत को माना जाता है। रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है न्याय के संदर्भ में कहा जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि न्याय के संदर्भ में अब तक लिखा गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ रिपब्लिक है। प्लेटो के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सुकरात की मृत्यु, और उससे आहत होकर वो 10 वर्षों तक विश्व भ्रमण पर चला गया था। उसका पूरा जीवन बदलने वाली घटना रही सुकरात की मृत्यु, और इसके लिए वो अन्याय को जिम्मेदार मानता था। उसका मानना था कि सुकरात के साथ न्यायालय में न्याय नहीं हुआ, और इसका कारण था कि न्याय की संकल्पना प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में स्पष्ट नहीं थी। इसलिए प्लेटो अपने लेखन कार्य का प्रारंभ न्याय सिद्धांत से ही करता है। प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना डायलेक्टिक्स के रूप में की है, द्वंद्वात्मक पद्धति है, जिसमें डायलॉग फॉर्म वार्तालाप के रूप में इस ग्रंथ को लिखा गया है। न्याय सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए प्लेटो ने एक नाटकीय दृश्य का वर्णन किया है, जिसमें मुख्य पात्र सुकरात स्वयं है। इसके अतिरिक्त उस समय की प्रचलित विचारधाराओं के चिंतक भी वहाँ उपस्थित थे। सबसे पहले न्याय के जो सिद्धांत प्राप्त होता है, न्याय की जो परिभाषा आती है इस न्याय सिद्धांत के दृश्य में, वो ये है कि सदैव सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। इस संदर्भ में प्लेटो का सुकरात के माध्यम से ये कहना था कि सदैव सत्य बोलना या ऋण चुका देना न्याय की परिभाषा नहीं हो सकती। सत्य प्रत्येक अवस्था में शुभ नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी शिक्षक को विश्वविद्यालय में प्रवेश करते वक्त कुछ आतंकवादी पकड़ लें और उसके मस्तिष्क पर गन लगाकर यह प्रश्न पूछे कि मुझे ये पता है आप यहाँ पे शिक्षक हो, और यदि आपने यह नहीं बताया कि वर्तमान में परीक्षा कहाँ चल रही है, तो मैं आपको गोली मार दूँगा, उस बिल्डिंग को मुझे बम से उड़ाना है। ऐसी परिस्थिति में यदि शिक्षक एक गलत खाली बिल्डिंग की ओर इशारा करके उसे परीक्षा भवन के रूप में इंगित कर देता है, तो वो असत्य वाचन तो जरूर करता है, लेकिन ये कहीं से भी अशुभ या अन्याय की परिभाषा में नहीं आता। जवाब न देने पे वो स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाता, उत्तर सही दे देने पर उसके विद्यार्थी मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। इस प्रकार असत्य भाषण के बाद भी उसने न्याय के सिद्धांत की रक्षा कर ली। इसी प्रकार सुकरात कहता है कि ऋण चुका देना भी सदैव न्याय के अंतर्गत नहीं आ सकता है। मान लीजिए आप अपने किसी मित्र से उसके स्वस्थ मानसिक अवस्था में कुछ हथियार उधार लेते हैं, और कुछ समय पश्चात जब वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, तब आप उसे उसका हथियार लौटा देते हैं। ऐसे में आपने ऋण तो चुका दिया,
परंतु उस अस्वस्थ मानसिक अवस्था में वह आपका मित्र स्वयं की, आपकी या किसी और की हत्या उस हथियार के माध्यम से कर सकता है। इस प्रकार न्याय की परिभाषा दोषयुक्त सिद्ध हो जाती है कि सत्य बोलना और ऋण चुका देना ही न्याय है। बाद में इस परिभाषा को और संशोधित करते हुए यह कहा गया कि मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ शत्रुता का व्यवहार ही न्याय है। सुकरात इस परिभाषा पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। उसका कहना था कि सर्वप्रथम यह निर्धारित करना ही संभव नहीं है कि कौन मित्र है और कौन शत्रु, और यदि यह निर्धारित कर भी लिया जाए फिर भी यह निर्धारित करना बड़ा कठिन है कौन सा व्यवहार मित्रता का व्यवहार है और कौन सा शत्रुता का। इस प्रकार न्याय की इस परिभाषा को दोषयुक्त ही माना जाएगा। तत्पश्चात एक अगली न्याय की परिभाषा प्राप्त होती है जिसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है। माइट इज राइट। सुकरात का कहना था कि न्याय का सिद्धांत कभी भी एक वर्गीय नहीं हो सकता है, और क्या ऐसे सिद्धांत को न्याय नहीं कहा जाएगा या किसी ऐसे कार्य को न्याय नहीं कहा जाएगा जो सभी के लिए समान रूप से लागू होता हो। न्याय कभी भी पीड़ा या नकारात्मक सिद्धांत के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता, अतः शक्तिशाली का हित ही न्याय हो यह संभव नहीं है। न्याय की तीसरी परिभाषा मिलती है कि न्याय दुर्बल की क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। सुकरात इसे भी न्याय के सिद्धांत के रूप में मानने से इनकार कर देता है। सुकरात का मानना था कि न्याय कभी भी एक विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत नहीं हो सकता, न्याय एक सार्वभौमिक सिद्धांत होगा जो सभी के लिए समान रूप से लागू हो। न्याय को परिभाषित करने के पश्चात सुकरात रिपब्लिक में दार्शनिक राजा का सिद्धांत देता है। अतीत में अभी हमने देखा था कि किस प्रकार प्लेटो व्यक्तियों को तीन तत्वों के समावेश के रूप में दर्शाता है, और राज्य भी उसी प्रकार तीन वर्गों से मिलकर बना है। इसमें विवेक तत्व से प्रधान व्यक्तियों के समूह को दार्शनिक वर्ग के रूप में परिभाषित करता है। आदर्श राज्य के सिद्धांत के अंतर्गत भी प्लेटो का मानना था कि आदर्श राज्य के अंदर राजा का दायित्व दार्शनिक वर्ग ही निभाएगा, अतः आदर्श राज्य की स्थापना के लिए दार्शनिक राजा का सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। दार्शनिक राजा वह होगा जिसके अंदर विवेक तत्व की प्रधानता होगी, जिसको न्याय के सिद्धांत का ज्ञान होगा, और जैसा अतीत में अभी हमने देखा था कि वो यथार्थ को दो भागों में विभाजित करता है, प्रत्यय जगत और दृश्य जगत के रूप में। प्रत्यय जगत के अंदर वो फिर एक शुभ या सत्य के प्रत्यय की बात, आइडिया ऑफ गुड की बात करता है, जो कि सर्वोत्तम ज्ञान के रूप में होगा। दार्शनिक वही होगा प्लेटो के अनुसार जिसे इस सत्य के प्रत्यय का ज्ञान होगा, जिसे आइडिया ऑफ गुड का नॉलेज होगा वही दार्शनिक होगा, और वही सही अर्थों में दार्शनिक राजा बनने का अधिकारी होगा। दार्शनिक राजा महत्वपूर्ण क्यों है यह एक कथा के माध्यम से समझाया जा सकता है। विधियां अपूर्ण होती हैं। प्लेटो का ऐसा मानना था कोई भी कानून अपने आप में पूर्ण नहीं होता और सभी परिस्थितियों के अनुरूप शुभ का निर्धारण करने में अक्षम होता है। द्वापर युगीन एक कथा है जिसमें महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने एक यज्ञ किया और उसके पश्चात एक भोजन का आयोजन किया गया। एक गरीब ब्राह्मण उस भोज में सम्मिलित होता है। भोजन करने के बाद वो अत्यधिक आत्मग्लान से भर जाता है, क्योंकि उसे लगता है मेरे घर में सभी भूखे हैं और मैंने भोजन कर लिया, इसलिए जिस सोने की कटोरी में खाना परोसा गया था वो निकलते वक्त उस सोने की कटोरी को चुरा लेता है। बाद में जब वो द्वारपाल द्वारा पकड़ लिया जाता है निकलते वक्त, तो उसे राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। द्वापर का कानून कहता था कि स्वर्ण की चोरी का अर्थ है मृत्युदंड। यदि कोई सोना चुराते हुए पकड़ लिया जाता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाए। जब युधिष्ठिर से द्वारपाल ने पूछा कि इस आदमी के साथ क्या किया जाए, युधिष्ठिर ने कहा कि कानून के हिसाब से इसे मृत्युदंड दे दो। द्वारपाल ने कहा, समस्या इतनी सरल नहीं है महाराज, क्योंकि यह ब्राह्मण है। द्वापर का कानून यह भी था कि ब्राह्मण की हत्या नहीं की जा सकती है। एक ही समय के दो कानूनों में अंतर्द्वंद उपस्थित हो गया। उस वक्त वहाँ श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि इसका समाधान द्वापर युग से संभव नहीं है, इसके लिए हमें सतयुग में जाना होगा। श्री कृष्ण सबको लेकर के राजा बलि के पास जाते हैं। राजा बलि जब पूरा घटनाक्रम सुनते हैं तो उन्होंने निर्णय दिया कि इस राज्य के राजा को मृत्युदंड दे दो।
युधिष्ठिर घबरा गए। उन्होंने पूछा, महाराज इसमें मेरा क्या दोष है? बलि ने कहा, जिस राज्य में राजा के रहते हुए एक योग्य ब्राह्मण को चोरी करने पर विवश हो जाना पड़े, तो समस्या चोरी करने वाले में नहीं राज्य के राजा में है। अर्थात कानून अपूर्ण हो जाता है, कई बार शुभ इससे परे भी निकल जाता है। वर्तमान में अगर उदाहरणों की रचना करें, जैसे एक छोटा बालक जो कई दिनों से भूख से पीड़ित हो, अगर ब्रेड चुराता हुआ पकड़ लिया जाए तो उसका हाथ नहीं काटा जा सकता, क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा था। कानून अपूर्ण होगा और ऐसी परिस्थितियों में दार्शनिक राजा, जिसको शुभ के प्रत्यय का ज्ञान है, शुभत्व के आधार पर निर्णय दे सकेगा। परंतु अब समस्या यह है कि दार्शनिक राजा का निर्माण ऐसे आसानी से नहीं हो सकता। ये किन्हीं तत्वों को मिला करके बनाया नहीं जा सकता वस्तुओं के समान। अतः दार्शनिक राजा की खोज और उसका प्रशिक्षण राज्य के अंदर ही संभव होगा, और इस संदर्भ में वो अपनी शिक्षा व्यवस्था का सिद्धांत देता है। दार्शनिक राजा के सिद्धांत के बाद प्लेटो रिपब्लिक के अंतर्गत शिक्षा का सिद्धांत देता है। दार्शनिक राजा स्वतः निर्मित नहीं होगा, उसे राज्य द्वारा प्रशिक्षण और शिक्षा द्वारा निर्मित किया जाएगा, यद्यपि वह स्वतः विवेक तत्व से युक्त होगा। अपनी शिक्षा व्यवस्था को प्लेटो तीन भागों में विभक्त करता है, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा राज्य के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य होगी, जिसमें स्त्री पुरुष समान रूप से सम्मिलित होंगे। शिक्षा के प्रथम चरण में शारीरिक शिक्षा दी जाएगी और साथ ही साथ संगीत की शिक्षा दी जाएगी। प्लेटो का मानना था, म्यूजिक इज टू माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू बॉडी। संगीत मस्तिष्क के लिए वही है जो व्यायाम शरीर के लिए, अर्थात शारीरिक व्यायाम और मानसिक रूप से संगीत, और इन दोनों की शिक्षा प्रथम चरण में दी जाएगी। विभिन्न पुस्तकों में शिक्षा के चरणों को लेकर के मतभिन्नता मिलती है, परंतु फिर भी इसे सामान्यतः 6 से 20 वर्ष के रूप में प्रथम चरण को परिभाषित किया जाता है। द्वितीय चरण 21 से लेकर के 35 वर्ष तक चलेगा, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी जाएगी, सैन्य शिक्षा और आधारभूत गणित जैसी शिक्षा इस द्वितीय चरण में प्रदान की जाएगी। प्रथम चरण में जो विद्यार्थी असफल सिद्ध होंगे, उन्हें उत्पादक वर्ग के रूप में समाज में कार्य करने के लिए भेज दिया जाएगा। द्वितीय चरण में जो विद्यार्थी असफल सिद्ध होंगे, उन्हें सैनिक के रूप में समाज में भेज दिया जाएगा। तृतीय चरण में तर्क विज्ञान इत्यादि की शिक्षा दी जाएगी, जो केवल दार्शनिकों के लिए होगी। इस तृतीय चरण के पश्चात दार्शनिक व्यवहारिक शिक्षा लेने समाज के अंतर्गत अपनी सेवा प्रदान करेंगे और तत्पश्चात दार्शनिक के रूप में राज्य के नेतृत्व को संभालेंगे। साम्यवाद के सिद्धांत को प्लेटो दो भागों में विभक्त करता है। प्रथम भाग, जिसको संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, तथा द्वितीय भाग, जिसे परिवार के साम्यवाद के रूप में जाना जाता है। प्लेटो ने राज्य के समस्त जनसंख्या को दो वर्गों में विभाजित किया था, एक प्रजा वर्ग और दूसरा अभिभावक वर्ग। इस अभिभावक वर्ग के अंतर्गत दार्शनिक और सैनिक आते हैं। अपनी आदर्श व्यवस्था, जिसमें दार्शनिक राजा कानून से बंधा हुआ नहीं है, उसे भ्रष्टाचार से बचाने के लिए इस साम्यवाद की व्यवस्था का वर्णन प्लेटो करता है। भ्रष्टाचार के मूलतः दो कारण होते हैं, एक कि व्यक्ति संपत्ति रखने का अधिकारी हो। यदि व्यक्ति के पास संपत्ति का अधिकार ही नहीं होगा तो भ्रष्टाचार की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। दूसरा, भ्रष्टाचार करने का कारण जो कि परिवार होता है। यदि इन दोनों के संदर्भ में साम्यवाद की व्यवस्था का पालन किया जाए तो शासक वर्ग के पास भ्रष्टाचार करने का कोई कारण ही उपलब्ध नहीं रहेगा। संपत्ति के साम्यवाद के अंतर्गत प्लेटो अभिभावक वर्ग, जिसमें सैनिक और दार्शनिक वर्ग आते हैं, दोनों को संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित कर देता है। इन्हें सामूहिक रूप से राज्य रहने की व्यवस्था करेगा और साथ ही सामूहिक रूप से इन्हें
भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी राज्य का उत्तरदायित्व होगा। परिवार के साम्यवाद के अंतर्गत प्लेटो एक विशिष्ट व्यवस्था का वर्णन करता है जिसमें किसी भी अभिभावक वर्ग के सदस्य के पास परिवार रखने का अधिकार नहीं होगा। राज्य को जब भी भविष्य की संतति की आवश्यकता पड़ेगी, राज्य अभिभावक वर्ग के अंतर्गत स्त्री और पुरुषों के मध्य एक अस्थायी वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति होगी। एक बार यह कार्य सिद्ध हो जाता है तो पुरुष अपने सार्वजनिक जीवन में योगदान देने चला जाएगा तथा स्त्री अपने गर्भधारण के साथ बालक बालिका को जन्म देने और उनके लालन पालन में व्यस्त हो जाएगी। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होगा, राज्य इस बात का परीक्षण करेगा कि बालक पूर्णतः स्वस्थ है या नहीं, और यदि बच्चे में किसी प्रकार का विकार हुआ तो उसे वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। यदि वह सर्वथा राज्य में अपने सार्वजनिक जीवन के योग्य सिद्ध हुआ तो उसका लालन पालन सभी सद्य प्रसूता स्त्रियाँ एक साथ मिलकर करेंगी। किसी पुरुष को किसी स्त्री पर अधिकार नहीं होगा, किसी स्त्री को किसी पुरुष पर अधिकार नहीं होगा, और किसी स्त्री पुरुष को अपने संतान के बारे में पता नहीं होगा। इस प्रकार सभी बालक बालिकाएं सभी की संतानें होंगी। इस प्रकार से एक राज्य परिवार का जन्म होगा जिसमें पूरा का पूरा राज्य ही एक परिवार के रूप में दिखाई पड़ेगा। प्लेटो का मानना था इस प्रकार जितने भी बालक बालिका विकसित होंगे, जो बढ़ेंगे, वो अपने आप में विशिष्ट होंगे, क्योंकि राज्य के निर्देशन के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ स्त्री के समागम के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति होगी। प्लेटो को प्रथम नारीवादी होने का श्रेय दिया जाता है। साथ ही प्लेटो को प्रथम जेनेटिक इंजीनियर होने का भी श्रेय दिया जा सकता है, जिसके अंतर्गत प्लेटो श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ स्त्री के समागम के माध्यम से श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। प्लेटो के सभी सिद्धांतों की व्यापक रूप से आलोचना भी की गई है। आज प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत को कल्पनावादी सिद्धांत के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ तक कि इस सिद्धांत के आधार पर ही प्लेटो को एक कल्पनावादी चिंतक कहा जाता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत, जो कि कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें प्लेटो सभी को उसकी योग्यता के अनुसार प्रदान करने की बात करता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करे, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, इसे भी आलोचना का पात्र बनाया जाता है। साथ ही साथ दार्शनिक राजा का सिद्धांत एक विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के रूप में देखा जाता है और जिसकी आलोचना की जाती है। शिक्षा के सिद्धांत की भी आलोचना की जाती है, जिसके अंतर्गत शिक्षा को एक बड़ी लंबी व्यवस्था के रूप में होने का आरोप लगाया जाता है। साम्यवादी सिद्धांत को आलोचना स्वयं प्लेटो के सर्वोत्तम शिष्य अरस्तु ने ही प्रस्तुत की थी। आदर्श राज्य को एक कल्पनावादी सिद्धांत माना जाता है कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की एक कल्पना प्रस्तुत की है, परंतु व्यवहारिक रूप से इसे परिवर्तित करने का कोई भी रास्ता नहीं सुझाया है। प्लेटो की इस आलोचना की भी आलोचना की जा सकती है, क्योंकि प्लेटो इस आदर्श राज्य के निर्माण के व्यवहारिक साधन का भी अपने उसी पुस्तक रिपब्लिक में प्रस्तुतिकरण दे देता है, जिसके अंदर वो एक न्याय व्यवस्था का भी वर्णन करता है, किस प्रकार से उस व्यवस्था को संचालित करने के लिए दार्शनिक राजाओं की आवश्यकता होगी, किस प्रकार से इन दार्शनिक राजाओं के निर्माण के लिए एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है, और किस प्रकार से ये संपूर्ण व्यवस्था भ्रष्टाचार के शिकार न हो पाए, इसके लिए साम्यवादी व्यवस्था है। प्लेटो इस सीमा तक व्यवहारिक चिंतक है कि वो न सिर्फ एक आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करता है, बल्कि उस आदर्श राज्य की जनसंख्या का भी वर्णन करता है। इतना ही नहीं, वो दार्शनिक राजा का सिद्धांत, जिसे एक विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, उसका एक लोकतांत्रिक स्वरूप प्रस्तुत करता है, जिसमें वो दार्शनिकों के कुल 12 कुलों का वर्णन करता है और प्रत्येक कुल से 3 दार्शनिक, अर्थात 12 × 3 कुल मिलाकर 36 दार्शनिकों का एक समूह का वर्णन करता है, जो सर्वसम्मत के माध्यम से किसी भी निर्णय तक पहुँचेंगे। इस प्रकार से इसे विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के रूप में भी नहीं देखा जा सकता। शिक्षा सिद्धांत
जिसे एक अत्यधिक लंबी व्यवस्था के रूप में जिसकी आलोचना की जाती है, इसकी आलोचना भी प्लेटो के संदर्भ में निरर्थक ही मानी जा सकती है, क्योंकि प्लेटो जिस आदर्श राज्य की प्राप्ति का प्रयास कर रहा है उसमें इस प्रकार की लंबी शिक्षा व्यवस्था संभव है। साम्यवाद के सिद्धांत की आलोचना की जाती है, कोई भी व्यक्ति अभिभावक वर्ग का सदस्य क्यों बनना चाहेगा, क्योंकि साम्यवाद के अंतर्गत न तो उसके पास परिवार का अधिकार होगा और ना ही संपत्ति का अधिकार। अगर सही अर्थों में प्लेटो के सिद्धांत को समझा जाए तो इस साम्यवादी सिद्धांत की आलोचना भी निरर्थक सिद्ध होती है। यदि किसी व्यक्ति में सही अर्थों में विवेक और साहस तत्व की प्रधानता है तो वह स्वतः ही दार्शनिक और सैनिक रूप में परिवर्तित हो जाएगा और ऐसे में राज्य का हित ही उसका हित स्वतः बन जाएगा। साम्यवाद के संदर्भ में अरस्तु की आलोचना अधिक महत्वपूर्ण है। परिवार के साम्यवाद के अंतर्गत जिस प्रकार प्लेटो श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ स्त्री के समागम के माध्यम से श्रेष्ठ संतति का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है, उसी प्रकार ऐसी संतति सभी की संतान होने के नाते संभव है कि किसी की संतान के रूप में भी मान्यता प्राप्त न कर सके। इस प्रकार प्लेटो का जो लक्ष्य है कि सर्वश्रेष्ठ संतति का निर्माण, उसकी जगह सबसे निकृष्ट संतति का निर्माण भी संभव है। विद्यार्थियों, उम्मीद है कि ये व्याख्यान आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी क्रम में पाश्चात्य चिंतन के अगले व्याख्यान में प्लेटो का शेष भाग कवर करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।